ये संपत्ति का अहंकार इतना भयानक है कि भगवत प्राप्त महापुरुषों को छोड़कर कोई भी ऐसा विश्व में न था न है न होगा जो मरांध न हो जाए। नहीं को आस जनमा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अरे लाख दो लाख में लोग सीना तान के चलने लगते हैं, फिर जो अरबपति वगैरह होंगे उनका क्या हाल होगा। एक कूड़ा कबाड़ा आप लोगों का जो शरीर है इसी को शीशे में देखकर जब आप बड़े विभोर होते हैं तो फिर उर्वशी मेनका को देखेंगे तो क्या हाल होगा। यानी इन छोटी छोटी बातों में ही हम अहंकार किए बैठे हैं, और जिसके पास बड़ी पावर कोई हो जाए फिर वो अहंकार करे तो इसमें क्या आश्चर्य है। आप लोग एग्जाम्पल देते हैं रावण अहंकारी था। रावण कौन सा अहंकारी था जी? एक भगवान है उसके सर्वेंट है सब सूर्य चंद्र जमराज, दूसरा भगवान रावण भी है सब उसके यहां सर्वेंट है सूर्य चंद्र जमराज। अगर रावण कहता है मेरे समान कोई नहीं है क्या गलत कहता है? छपानाथ लीने रहे क्षत प्रजा को। अरे जिसकी ये शक्ति है सूरज हमारे यहां टेम्परेचर 45 के ऊपर नहीं होगा, खबरदार हमारे यहां ऐसा ही होगा हमेशा पूर्ण चंद्र खिला रहेगा, ऐसा ही होगा। वो उसको आप अहंकारी कहते हैं। अहंकार तो हम लोग करते हैं जिनके पास नथिंग है वो भी ऐसे गुर्राते हैं। हम एक महात्मा जी के पास गए, उन्होंने हमको डांट दिया ऐसे कैसे महात्मा, हम तो चले आए हमें अश्रद्धा हो गई। क्यों? इसलिए कि हमारे पास 1 करोड़ था। अरे 1000 बरस नाक रगड़ो और महात्मा डांटे फिर भी जाओ तब कुछ पाओगे, ये तुम्हारा 1 करोड़ तुम्हारा सर्वनाश कर रहा है, होश में आओ। इसीलिए कुंती ने बर मांगा था भगवान से, असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमंजनम। वेद व्यास ने बहुत सोचा कि इन संपत्ति वालों का उद्धार कैसे होगा, नहीं हो सकता, हार गए, नहीं हो सकता। हां अगर कभी ये सौभाग्य हो इनका कि वो धन ये सही पात्र में दान कर दें और दरिद्र बन जाएं तब उद्धार हो सकता है। दारिद्र्यम परमंजनम, अन्यथा असंभव है। हां भगवत प्राप्ति कर लीजिए उसके बाद तो फिर 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष तक प्रहलाद ने सारे विश्व का राज्य किया। कितना लंबा शासन था उनका, 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष तक। और एक बार ऐसा चांस आया भी उनकी परीक्षा ली जाए तो एक उनके प्रहलाद के गुरु के पुत्र थे और प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, दोनों में किसी बात में होड़ लग गई और होड़ लग गई प्राण की, कोई मामूली होड़ नहीं। अगर मैं हार जाऊं तो मेरा प्राण तुम्हारे हाथ, और अगर तुम हार गए तो तुम्हारा प्राण हमारे हाथ। ठीक, बच्चे ही हैं, शर्त लगा लिया, लेकिन फैसला कौन करेगा, जज कौन बनेगा? तो गुरु पुत्र ने कहा आपके बाप प्रहलाद। तो विरोचन ने कहा मेरे पिता अगर फैसला मेरे पक्ष में कर देंगे तो तुम कहोगे पक्षपात किया। तो जज तो एक तीसरा होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमारे पिता ने यानी प्रहलाद के गुरु ने अपने बेटे को यह बता रखा था कि प्रहलाद
कभी पक्षपात नहीं कर सकता, उसके ऊपर माया हावी हो ही नहीं सकती। एक बार भगवत प्राप्ति होने से तत्काल अनंत काल को माया समाप्त हो जाती है। फिर उसके सामने स्थातु मीक्षा पथे मुया, सामने नहीं खड़ी हो सकती, हमला क्या करेगी। जैसे प्रकाश के सामने अंधकार खड़ा नहीं हो सकता, अरे खड़ा तो हो जाए कंपटीशन में, हार जाएगा कोई बात नहीं, नहीं जी वो खड़ा ही नहीं हो सकता। अस्तु प्रहलाद ने फैसला दे दिया अपने बेटे के विरुद्ध और ऑर्डर दे दिया विरोचन को फांसी पर लटका दिया जाए, और उसी मुद्रा में जिस मुद्रा में पहले थे उसी मुद्रा में मुकदमा सुनते समय उसी मुद्रा में फैसला देते समय जरा भी शिकन नहीं, न भीतर न बाहर, एक सी अवस्था। वो अब जब फिर प्रश्न आया, गुरु पुत्र ने कहा विरोचन से, अब तो तुम्हारा प्राण हमारे हाथ। उन्होंने कहा बिल्कुल, हमारे पिता ने फैसला कर दिया अब, किंतु परंतु कैसा, मैंने पहले ही कह दिया था। फिर गुरु पुत्र ने कहा प्रहलाद तुम हमसे बड़े हो कि छोटे हो। उन्होंने कहा महाराज हम आपसे छोटे हैं, तो हमारी आज्ञा तुमको मानना होगा। लगाओ स्वीकार, अगर आप कहें तो मैं भी फांसी पर लटक जाऊं, जैसे मैंने पुत्र को फांसी पर लटकने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा नहीं, मेरी आज्ञा है इसको छोड़ दो, तुम्हारा एक लौता बेटा है, यही तो राजा बनेगा तुम्हारे बाद, संपूर्ण विश्व को संभालना है, इसलिए मैं रिहा करता हूं, दया करता हूं। छोड़ दिया। प्रहलाद को फिर देखा उसी मुद्रा में, गया तो ठीक, रहा तो ठीक। ये भगवत प्राप्ति के बाद अवस्था आएगी, उसके पहले असंभव। कोई कहे कि मेरे तो सब कुछ है लेकिन मुझे तो कोई अहंकार नहीं, ये कौन कह रहा है। जिसके पास है कुछ वो कहता है मुझे अहंकार नहीं, ये कौन कह रहा है। बुद्धि, अहंकार किस पर है, बुद्धि पर। तो बुद्धि अपने खिलाफ फैसला देगी क्या। आप लोग जब अकेले में सोचते हैं मैं कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। अरे किससे पूछ रहे हो, जो तीन गुण के अधीन है बुद्धि, उसी बुद्धि से पूछ रहे हो। बुद्धि देवी तो अपने मुआफिक ही फैसला देंगी, अपने विरुद्ध कैसे देंगी। अपने विरुद्ध तो गुरु दे सकता है, और किसी का साहस नहीं विश्व में। माँ बाप भी नहीं दे सकते, वो भी डरते हैं, ऐसा कह देंगे तो नाराज हो जाएगा, तो फिर हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। एक बार भगवान राम ने अयोध्या में प्रवचन दिया, तो प्रवचन देने के बाद पब्लिक ने कहा तुम बिन आस सिख दे न को मात पिता स्वार्थ रत उ। जहां जरा भी स्वार्थ का टच है वहां किसी भी प्रकार न्याय नहीं हो सकता, वो गड़बड़ी आएगी, चुपके से आएगी। और अगर कोई कहेगा अन्याय किया तो सिद्ध करेगा और जबरदस्ती, मैंने अन्याय नहीं है, मैंने बिल्कुल ठीक किया है। तो ये संसार का वैभव हमारे लिए घोर हानिकर है, इसीलिए कुंती बर मांगती है महाराज ये भक्ति और गोलोक वैकुंठ में नहीं चाहती, मुझे तो संसार का अभाव दे दो। जनमयी स्वर्ग सुत श्रीभिरे धमान मद अपमान नैवार्हत्य विधा तुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। तुम अकिंचन के हो, और ये किंचन है, जहां किंचन आ गया वहां मैं भी कुछ हूं ये आ गया। अत्रिनादप सुनीचेन तरोरप सहिष्णुना, दीनता के आधार पर शरणागति है, भक्ति है, सबका महल खड़ा है, आधार है दीनता।
वही छिन गई तो फिर क्या बचा? फिर तुम मुंह से कीर्तन भजन साधन कुछ भी करते रहो, सब गड़बड़ है। अगर तुम्हारे मन में अहंकार है तो तुम जो कुछ भी कर्म करोगे, संतों के पास गए गलत गए, प्रणाम किया उनको गलत प्रणाम किया, उनके चरण धोकर पिए गलत धो के पिए, मैं कह रहा हूं। अजी चारों धाम गया, गलत मार्चिंग की तुमने, सब गलत किया, इतना दान पुण्य किया, हां सब गलत किया तुमने। ये जब तुमको फल मिलेगा ना मरने के बाद, तब मालूम पड़ेगा अरे मैंने तो इतना किया और ये उल्टा मिल रहा है हमको दंड। हाँ वो दीनता नहीं थी, अहंकार था। एक भिखारी को दो पैसा भी देते हैं हम लोग तो किस तरह से फेंकते हैं, यानी वो भी भगवान का पुत्र है, तुम भी भगवान के पुत्र हो, और इस भगवान की सृष्टि से तुमने अधिक सामान अपना बना लिया है, ये जुर्म किया है। उसने बिचारे ने अपना नहीं बनाया अधिक सामान, और वो तुमसे दो पैसा मांगता है, अपने बाप की प्रॉपर्टी से मांगता है, तुम उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। दो ही पैसा दो लेकिन प्यार से दो ना। है क्या बात करते हो जी, मैं अरबपति हूं। अरे कोई पतिवती नहीं हो, जब ये शरीर छूटेगा ना तो एक लाइन में खड़े कर दिए जाएंगे अरबपति और कौड़ीपति और स्वर्ग सम्राट इंद्र सब।